नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ रतन विशेषज्ञ। मैं हीलर भी हूँ, स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ आपकी। आप मुझसे यदि इस चैनल के अलावा भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर, जो कि मेरा चैनल है। आप उस पर भी मुझे देख सकते हैं। उस पर भी मैं अलग तरीके की टोटके डालती हूँ, अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, लाभकारी है। आप मिल सकते हैं मुझे उस चैनल पर। आप यदि मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मुझे सिर्फ वही लोग कॉल कीजिए जो सच में अपॉइंटमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो मुझसे बात कर सकें। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक नॉर्मल फीस लेती हूँ, वो पेड है। आप मुझे पेड अपॉइंटमेंट जो चाहते हैं वही कॉल कीजिए। आज हम बात करेंगे नींद नहीं आती या नींद टूट जाती है सोते समय। पहले तो हम बात करेंगे सही दिशा क्या होती है सोने की। वास्तु के हिसाब से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हमारी सही दिशा क्या होती है सोने की। नॉर्थ की दिशा में सर करके सोते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी भी नॉर्थ की तरफ आप सर करके ना सोइए। आपको हमेशा साउथ की तरफ सर कर ही सोना चाहिए, जो कि हम आपको बताते भी हैं। मास्टर बेडरूम की जो जगह होती है वो होती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही हमारे मास्टर बेडरूम की होती है, हमारे घर के मुखिया की होती है। साउथ की तरफ ही सर कर सोइए। आप ये समझ नहीं सकते कि हमको कई लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ सोनी चाहिए। आप ईस्ट की तरफ भी सर कर सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ आप कभी भी सर करके नहीं सोइए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसको लाया जाता है, तो उसका सर नॉर्थ की तरफ किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नॉर्थ की तरफ सर रख कर नहीं सोना। आप क्या करें यदि आपकी नींद खुल जाती है रात को सोते सोते और नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है, ऐसे लगता है कि हम सोए ही नहीं, हमने अपनी नींद पूरी की ही नहीं, ऐसा क्या करें? एक तांबे का लोटा, तांबा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत गुण है उसमें। तांबे का लोटा यदि हम अपने जिस रूम में सोते हैं अपने सर के पास एक तांबे का लोटा ले लेते हैं और उस तांबे के लोटे को अपने सर के पास रखने के बाद हम सो जाते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं ना, और उस तांबे के लोटे का जल यदि हम पेड़ में डालते हैं उठकर, तो भी हमें नींद से आ रही परेशानी दूर होती है। साथ ही साथ यदि हम अपने तकिए के नीचे 4 से 5 हरी इलायची, जी हाँ हरी इलायची जो हम खाते हैं माउथ फ्रेशनर के लिए, हरी इलायची 4 से 5 यदि हम अपने तकिए के नीचे रखते हैं, तो यकीन मानिए ये चमत्कारी इलायची यदि नींद से आप उठ जाते हैं ना, बार बार आपकी नींद खुल जाती है, आधी नींद उठ जाते हैं, दिमाग चलता रहता है, नींद नहीं आ रही प्रॉपर। आधे से ज़्यादा लोगों की परेशानी होती है कि हमें नींद नहीं आ रही। 4 से 5 हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रखनी है आपको और सो जाना है, तो आप देखेंगे जो आपको परेशानी आ रही है, जो नींद नहीं आ रही, या जिस चीज़ से आप परेशान हैं, बार बार उठ जाते हैं नींद से, या फिर आपका दिमाग जो है वो चलता रहता है, सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम सोए ही नहीं, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी ठीक होते हैं। तो ये उपाय आप कीजिए और लाभ उठाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मुझे। धन्यवाद।